वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कार्बोरेटर, वैन के कार्बोरेटर को रिपेयर करने के बारे में, उसको पूरी तरीके से समझने के बारे में, उसमें क्या पार्ट्स लगे होते हैं और वो किस तरीके से खराब होते हैं, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेटर के बारे में बात करेंगे। कार्बोरेटर किस प्रकार पेट्रोल को महीन कणों से विभाजित करके गैस के रूप में आपके थ्रोटल में पहुंचाता है और कार्बोरेटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कार्बोरेटर को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, इस सभी बातों पर हम गौर करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको सारी सभी कुछ डिटेल से बताऊंगा। आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज तक YouTube पर आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम कार्बोरेटर को वॉश कर लेते हैं बाहर की तरफ से, क्योंकि बाहर की तरफ से वॉश कर लेंगे तो इसके अंदर की तरफ जो बाहर का कचरा है वो नहीं जाएगा। और इसको हमने वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद अब इसको पूरा खोल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आप इसके एक एक स्टेप पर जरा नज़र रखें, गौर करें, क्योंकि एक एक स्टेप आप जब खोलना हुआ देख लेंगे तो आपको फिट करने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों हमने इसको पूरा खोल लिया है, इसको फिर एक बार वापस वॉश करेंगे। वापस वॉश करने के बाद फिर इसमें जो जो पार्ट्स लग रहे हैं उनके नंबर्स वगैरह के बारे में मैं बताऊंगा।
दोस्तों ये जो लॉक है इसको बहुत ही सावधानी से निकालना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक लॉक होता है और गिर जाता है। तो इसको सावधानी पूर्वक निकालें, और इसके अंदर जो कैप्सूल है और बॉल है, छर्रा है, वो भी सावधानी पूर्वक निकालें। ये देखिए बॉल तो बाहर आ गई है, मगर जो इसके अंदर छर्रा है, बॉल है, वो अंदर की तरफ चिपकी हुई है। तो उसमें थिनर वगैरह या जो भी इसको वॉशिंग करने के लिए हम डालेंगे तो उसके बाद वो निकल जाएगी, तो उसको भी तरह ध्यान से रखें। तो दोस्तों हमने कार्बोरेटर को बिल्कुल क्लीन कर लिया है अंदर की तरफ से, और मैं इसको फिट करने से पहले इसके एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा और पार्ट्स के वर्क के बारे में बताऊंगा, और वो क्यों ख़राब होता है, किस तरीके से ख़राब होता है, कैसे चेक किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि जो इसकी फ्यूल की लाइन्स है वो कहाँ कहाँ जाती है और किस तरीके से वर्क करती है। चलिए दोस्तों मैं इसमें बताऊँ। दोस्तों सबसे पहले हम मिक्सचर स्क्रू के बारे में बात करते हैं। ये मिक्सचर स्क्रू है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी देखिए, इसमें एक रबड़ का वाशर होता है, एक मेटल का वाशर होता है, एक स्प्रिंग होती है, और एक ये स्क्रू होता है जिसे मिक्सचर स्क्रू बोलते हैं। इसमें इस जगह पर अगर कट्स आ जाता है तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे मैं दूसरा आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा मिक्सचर स्क्रू देखिए, इसमें आपको एक गैप दिख रहा है इस जगह पर। इस गैप में आप देख पाएंगे कि यहाँ इसका कट हो चुका है, ये इसको खराब कर देता है। देख पा रहे हैं आप, तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके रबड़ में कट होता तो हम इसको चेंज कर देते, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसको यूँ इसके ख़राब होने से हमारे कार्बोरेटर पर और हमारी काड़ी पर जो फ़र्क पड़ता है वो ये फ़र्क पड़ता है कि हम जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर सेट करते हैं वो मिक्सचर एडजस्ट नहीं हो पाता। तो अगर इसमें कट हो जाए तो इसको चेंज कर दें। दोस्तों ये पैकिंग सेक्शन में इसका डायफ्राम पैकिंग है, डायफ्राम पैकिंग रिटर्न वाली साइड पर लगा होता है, और इस रिटर्न वाली साइड पर ये पैकिंग लगा होता है, ये पेट्रोल को पंप करता है। ये देखिए इसमें जो डैमेज आता है वो इस तरीके से आता है, आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ से यहाँ तक एक लेयर में क्रैकनेस आ गया है, ये पेट्रोल को लीक कर देता है, तो हमें इसको चेंज कर देना चाहिए। अगर इस तरीके का लीकेज देखें तो मैं आपको दूसरा वाला नया ज़रूर दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये मेरे हाथ में जो है ये नया है, आप इसकी पैकिंग को देख सकते हैं, इसमें टू लेयर्स में पैकिंग होती है, और इसकी दोनों साइड पर देखिए आप बिल्कुल क्रैकनेस नहीं है। तो ये जब भी अगर आपको क्रैकनेस में नज़र आए तो इसको चेंज कर दें। दोस्तों ये भी रिटर्न वाली डायफ्राम का ही एक पैकिंग है, इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पर प्रेस किया हुआ है वो हिस्सा थोड़ा दब गया है, और वहाँ से फ्यूल लीक होने का डर रहता है। तो जब भी आपको इस तरीके से लगे कि आपका ये डायफ्राम बिल्कुल ज़्यादा प्रेस हो चुका है तो आप इसको चेंज कर दें, मैं आपको नया दिखाता हूँ। दोस्तों ये न्यू डायफ्राम है, ये देखिए जैसे ही इसको कसते हैं तो ये इस तरीके से प्रेस हो जाता है, मगर इसकी जो थिकनेस है वो जब तक सही रहेगी तब तक ये फ्यूल को रोके रहेगा और फ्यूल लीकेज नहीं होगा। दोस्तों ये कार्बोरेटर के दो पार्ट्स आपस में जब जॉइंट किए जाते हैं तो इस जगह पर एक रिंग लगाई जाती है, वो रिंग इसके पेट्रोल को लीक होने से बचाती है। उस रिंग की भी अगर थिकनेस कम हो गई हो तो उसको भी चेंज कर देना चाहिए। ये देखिए आप इसकी थिकनेस को, ये बिल्कुल प्लेन हो चुकी है, और इसका जो गैप है इस गैप में बिल्कुल लेवल में आ गई है, तो ये पेट्रोल को लीक करने से नहीं रोक पाएगी, तो इसलिए इसको भी चेंज कर देना चाहिए। मैंने न्यू पैकिंग्स हाथ में ली है और ओल्ड पैकिंग भी मेरे हाथ में है, आप दोनों में देख सकते हैं फ़र्क, इसकी जो थिकनेस है मोटाई है और इसकी थिकनेस में फ़र्क आ चुका है, तो ये भी हमें न्यू चेंज कर देनी चाहिए। दोस्तों कार्बोरेटर बॉडी में अंदर की तरफ भी एक पैकिंग लगी होती है जहाँ की स्पीडो जेट लगा होता है, और इसके ऊपर भी पैकिंग लगी होती है, मैं आपको अंदर की तरफ की पैकिंग की दिखा रहा हूँ। दोस्तों अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं ये पैकिंग लगी हुई होती है जो कि इस स्पीड जेड के साथ लगी होती है, इस स्पीड जेड को जब यहाँ फिटिंग करते हैं तो वो पैकिंग उसको कवर करती है, यहाँ भी इसके लीकेज को ये पैक करती है। अगर ये यहाँ आपको ख़राब दिखे तो ये भी चेंज कर देनी चाहिए, और इसी के साथ एक पैकिंग इसके अंदर की तरफ भी लगी होती है जहाँ आप देख पा रहे हैं अंदर की तरफ, इस पैकिंग को भी चेंज कर देना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी फ्यूल लाइन के बारे में।
दोस्तों ये फ्यूल लाइन की सबसे मेन पाइपलाइन होती है, यहीं से कार्बोरेटर के अंदर की तरफ पेट्रोल जाता है। दोस्तों यहां से पेट्रोल सीधा इस जगह पर आता है और यहां एक फ्लूड लगा होता है, निडल लगी होती है, वहां से पेट्रोल इस टैंक में आता है और यहां फ्यूल फुल होने के बाद ये जो पाइप देख रहे हैं आप, यहां से रिजर्व टैंक में चला जाता है। यहां फ्यूल को रोकने के लिए फ्लूड लगा होता है, निडल किट लगा होता है और यहां से निडल किट में से जो पेट्रोल निकलता है तो इस चैम्बर में और इस चैम्बर में दोनों में भरता है। तो इसके बाद जैसे ही ओवर ये निडल वॉल और ये किट दोनों उस पेट्रोल को रोक देती हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक बॉल लगी होती है, ये बॉल ऊपर की तरफ उठती है तो अंदर की तरफ जाती है, तो ये इस वॉल को दबा देती है और वॉल दबाने के बाद यहाँ से पेट्रोल आना बंद हो जाता है। मगर जब पेट्रोल का प्रेशर होता है तो फिर वो यहाँ से रिटर्न होता है और रिटर्न होकर के इस लाइन में आता है, इस लाइन में आकर के इधर की तरफ नीचे की तरफ से इस लाइन में निकलता है और यहाँ से जो इसका इस पोर्ट में होता हुआ, इस होल से होता हुआ और यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये है इसकी फ्यूल की लाइन। दूसरों ये तो थी बात इसके रिटर्न की, अब बात करते हैं इसके पेट्रोल के स्प्रे की, जो कि कार्बोरेटर के अंदर से होता हुआ थ्रोटल बॉडी में जाता है और वहाँ से इंजन को पेट्रोल देता है। तो पेट्रोल जब यहाँ आकर के इकट्ठा होता है तो यहाँ ये चीज़ ये जेट उसमें डूबा हुआ होता है और जैसे ही हम एक्सीलेटर देते हैं, एक्सीलेटर देने पर ये थ्रोटल यहाँ से खुलता है और थ्रोटल खुलता है तो जो पेट्रोल वैक्यूम बनता है, वैक्यूम बन करके ऊपर की तरफ आता है और ऊपर आने के बाद इस जगह पर आता है और यहाँ से अंदर की तरफ इस तरह से स्प्रे होता है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर की तरफ होल, यहाँ से ऑयल का स्प्रे होता है और जब गाड़ी स्टार्ट करनी होती है तो उस समय एक अलग से वॉल्व होता है, इसमें एक पीतल की जो आप रोड सी देख पा रहे हैं, ये यहाँ उधर की साइड जहाँ थ्रोटल का बटरफ्लाई लगा होता है वहाँ पर पेट्रोल को स्प्रे करता है। जब गाड़ी का हम स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को एक्सीलेटर देते हैं, उससे पहले स्टार्टिंग के समय यहाँ पर ऑयल का प्रेशर होता है। दोस्तों ये फ्यूल रिजर्व टैंक है, यहाँ इसके आप बीच में जो होल देख पा रहे हैं इसमें एक बॉल और एक कैप्सूल लगा होता है जो कि एक लॉक से फिक्स होता है। दोस्तों यहाँ जो मेन पाइपलाइन है, इस जगह पर पेट्रोल आने से पहले इस जगह पर एक जाली, उसके बाद इसका कैप्सूल, निडल और किट लगाया जाता है। दोस्तों ये निडिल और किट है, आपकी अगर कार में खराब हो जाएगा, आपके कार्बोरेटर में खराब हो जाएगा तो यहाँ से भी आपको ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी गाड़ी ओवरफ्लो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ इसके अंदर जो होल है, होल में अगर कट बढ़ जाएगा या फिर आपका जो ये निडिल है, इस निडिल पर कट बढ़ जाएगा तो ये आपकी गाड़ी ओवरफ्लो होने लग जाएगी। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। दोस्तों आप दोनों निडिल्स में फ़र्क देख पा रहे हैं, एक में थोड़ा सा नॉक पर कट बना हुआ है और एक में कट नहीं है, जिसमें कट बन गया है वो डैमेज हो चुका है, जिसमें कट नहीं है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कार्बोरेटर को फिट करना शुरू करते हैं, सबसे पहले निडिल वाल्व को इसमें फिट करते हैं। निडिल वाल्व को फिट करने से पहले उसमें जाली जो उसकी लगी हुई थी जहाँ से कि कचरा अंदर ना आए उसको फिट करते हैं, उसके बाद इसका जो शीट है, वाल्व की शीट है, उसको सही तरीके से फिट कर देते हैं और उसको बिल्कुल ढंग से फिट करेंगे। उसकी जो रिंग है उसको चेक करके फिट करेंगे, उसके बाद उसका जो लॉक है और स्क्रू है उस लॉक और स्क्रू को उसमें सही तरीके से टाइट कर देंगे। उसको टाइट करने के बाद फिर उसकी शीट की तरफ चलते हैं जहां पर वाल्व फिट होता है, वहां हम वाल्व को लेकर उसको साफ़ करके
और उसको फिट करेंगे। उसमें फिट करने के बाद उसके ऊपर फ्लूट लगा देंगे। दोस्तों निडिल वाल्व फिट करने के बाद उसको वैक्यूम से ज़रूर चेक कर लें कि वो लीक तो नहीं है, और उसके बाद उसके ऊपर फ्लूड को लगा दें। फ्लूड की पिन को बिल्कुल सही तरीके से फिट करें और उसको चला कर के भी देख लें कि वो बिल्कुल कहीं अटक तो नहीं रहा है। दोस्तों ये कार्बोरेटर का मेन जेट होता है, यहीं जो फ्लूड चैम्बर होता है उसमें डूबा हुआ होता है फ्यूल में, और वहाँ से ये पेट्रोल को शक करता है वैक्यूम के ज़रिए, और यहाँ पर इस जगह से होता हुआ कार्बोरेटर का जो थ्रॉटल माउथ होता है वहाँ से इंटेक साइड में पेट्रोल को मिश्रण बनाकर एयर के साथ मिलकर एक गैस बनाकर कार्बोरेटर उसको गैस बनाकर और इंजन के अंदर थ्रो करता है। दोस्तों अब फ्लूड चैम्बर को कंप्लीट कर देते हैं। फ्लूड चैम्बर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमने उसमें बॉल डाली, अब ये कैप्सूल डाल रहे हैं, और उसके बाद बहुत ही सावधानी से ये लॉक उसमें फ़िट कर देना है। लॉक को फिट करते टाइम बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैंने फिर आपको दोबारा से याद दिला दिया है कि उसको सावधानी से फ़िट करें, और फिट करने के बाद हम उसको हिला करके देख लेंगे कि वो लॉक ढीला तो नहीं है। कहीं गाड़ी जब चलती है तो कई बार वो लॉक बाहर की तरफ आ जाता है, तो जो हमने कैप्सूल और बॉल उसमें डाली है वो सही समय से वर्क नहीं कर पाती है, सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। तो दोस्तों इसमें हमने फ़िट कर दिया लॉक, अब इसको फ़िट करने के बाद सही तरीके से सेट करेंगे, और सेट करने के बाद इसको हिला कर देख लेंगे कि ये बिल्कुल सही तरीके से फ़िट हुआ है या नहीं। दोस्तों फ्लूड चैम्बर को फिट करने के लिए हमने कंप्लीट कर दिया है। अब कार्बोरेटर के इस पार्ट में हम रिंग को फिक्स कर लेंगे। रिंग को बिल्कुल सही तरीके से उसके ग्रिप में बैठा लेंगे, कहीं से आउट ना हो, और उसको बिल्कुल फिट करने के बाद सही तरीके से चेक करने के बाद इसमें फ्लूड चैम्बर को फिट कर देंगे। फ्लूड चैम्बर को फिट करने के लिए हम सबसे पहले उसकी साइड को चेक कर लेंगे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आपके कार्बोरेटर का जो एक्सीलेशन पंप सर्किट है, जो रिटर्न सर्किट है उसके बारे में। इसमें सबसे पहले नीचे डायफ्राम होता है, उसके बाद ये रिटर्न और एक्सीलेशन सर्किट होता है। इसी में एक वाल्व रिटर्न के लिए और एक वाल्व एक्सीलेटर के लिए होता है। इस पर जो पीछे की तरफ ये आप देख रहे हैं बड़ा होल, ये एक्सीलेशन सिस्टम होता है। यहाँ एक स्प्रिंग और डायफ्राम लगा हुआ होता है। डायफ्राम को जैसे ही हम एक्सीलेटर करते हैं ये पंप करता है, इसके अंदर जो पेट्रोल आ जाता है वो पेट्रोल आपकी जो थ्रोटल बॉडी का स्प्रे वाल्व है वहाँ पर उसको पेट्रोल को भेजता है, और वहाँ से पेट्रोल गैस बनकर स्प्रे हो जाता है। यहाँ ये जो देख रहे हैं आप ऊपर कैप, ये एक्सीलेशन के साथ दबाती है इसको, और यहाँ से जब दबता है डायफ्राम तो इसमें मौजूद पेट्रोल आपके जो थ्रोटल पर वो लगा हुआ है वाल्व, थ्रोटल पर जो स्प्रे वाल्व लगा हुआ है वहाँ पर वो उसको पेट्रोल को भेजता है, और वहाँ से शक करता हुआ पेट्रोल मिश्रण बनकर गैस में आपके थ्रोटल में अंदर की तरफ चला जाता है इंजन के।
दोस्तों अब बात करते हैं मैन वेंचुरी के ऊपर लगे हुए जेट के बारे में। यहीं से आपकी कार का जो कार्बोरेटर होता है वो एयर को शक करता है, इंटैक्ट बॉडी में जो एयर आती है वो यहीं से आती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो हॉल होते हैं और ऊपर ये वॉल्व लगा होता है, वॉल्व में भी दो हॉल बने हुए होते हैं, उनका दोनों का साइज़ अलग होता है, वो स्पीड के अनुसार काम करते हैं। जहाँ जितनी स्पीड चाहिए होती है उसी हिसाब से आपको थ्रोटल को एयर देता है ये, और एयर मिक्स होकर के कार्बोरेटर में फ्यूल का स्प्रे करती है। यहाँ इसको फिट कर देंगे और इसके बाद इसके ऊपर दो स्क्रू लगा देंगे, स्क्रू को सही तरीके से टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद इसके ऊपर जो पैकिंग लगा होता है, पैकिंग लगाने के बाद इसकी जो कैप होती है वो उसको फिट कर देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके कार्बोरेटर की स्लो रनिंग एडजस्टर सिस्टम के बारे में। स्लो रनिंग एडजस्टर सिस्टम को चेक करते हैं, इसके जो हॉल्स हैं वो देख पा रहे हैं आप, यहाँ स्लो स्विच और मिक्सचर स्क्रू लगता है और उसके अपोजिट साइड में स्लो जेट लगता है। और अब थ्रोटल बॉडी की तरफ चलते हैं, थ्रोटल बॉडी की साइड में जहाँ थ्रोटल जेट लगा होता है वहाँ देखते हैं, या ऊपर की तरफ जो आपका होल्स देख रहे हैं ये आपके होल्स आइसिंग के डिफेक्ट को दूर करते हैं, और अंदर की तरफ जो देख पा रहे हैं ये आपका स्लो एडजस्टिंग वॉल्व है, यहाँ से आपका एयर मिक्सचर होता है, और इसके दूसरे साइड ये स्लो जेट का पॉट बना हुआ होता है, तो इसको भी चेक करते हैं, यहाँ भी देखते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम इसकी फिटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिटिंग के लिए सबसे पहले हम इसका स्लो स्विच ले लेते हैं, स्लो स्विच को चेक कर लेंगे और उसके बाद इसको इसके पॉट में फिट कर देंगे, जहाँ पर ये फिट होता है वहाँ फिट करने के लिए इसको स्क्रू जो 12 नंबर का स्पैनर होता है वहाँ से इसको हल्का टाइट कर देना है आइडल से फिट करने के बाद। दोस्तों इसके बाद हम इसका जो स्लो जेट है, आइडल जेट है, उस जेट को फिट करेंगे, उसको चेक कर लेंगे, उसके जो हॉल्स हैं उसको साफ कर लेंगे और उसके नंबर्स को चेक कर लेंगे। उसमें नंबर डिफरेंट टाइप के आते हैं कुछ कार्बोरेटरों में, और कुछ कार्बोरेटरों में सेम साइज़ के आते हैं, तो वो नंबर चेक करके उसी हिसाब से अगर हमें चेंज करना है तो वही नंबर का वाल्व उसमें जेट उसमें लगाएंगे, इसके होल्स को साफ़ कर लेंगे, होल्स को साफ करने के बाद इसको फिट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कार्बोरेटर फिट कर देने के बाद जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो कार्बोरेटर के अंदर कुछ जो कचरा होता है वो दोबारा इसमें आ जाता है, तो कार्बोरेटर फिट कर देने के बाद इसको दोबारा से खोल करके साफ़ किया जा सकता है, तब जा करके आपकी गाड़ी वापस आइडल पर स्लो हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें जो हैं, मिक्सचर स्क्रू और जेट स्लो और ये जो स्लो नाइट स्विच है, ये तीनों आपके आइडल पर काम करते हैं। हाई स्पीड पर आपकी कार में ये तीनों चीज़ें न्यूट्रल की तरह हो जाती हैं, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, और न्यूट्रल होने पर इनका वर्क इतना होता है कि जैसे ही आप गाड़ी को स्लो करते हैं ये अपने वर्किंग में आ जाते हैं, और जैसे ही आपकी हाई स्पीड होती है ये अपना न्यूट्रल सिस्टम पर आ जाते हैं, न्यूट्रल मोड पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मिक्सचर स्क्रू के बारे में,
स्लो एडजस्टर स्क्रू के बारे में। स्लो एडजस्टर स्क्रू को हमने चेक किया था। इसमें सबसे पहले एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को इसमें फिट कर देंगे। स्प्रिंग के बाद एक मेटल का वॉशर होता है, प्लेट वॉशर होता है, उसको फिट कर देंगे। और उसके बाद इसमें एक रबड़ गैसकेट लगा होता है, रबड़ का वॉशर लगा होता है, ये इसमें सही तरीके से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्टर कर देने के बाद इसको थ्रेड्स में बैठा लेंगे और बैठा लेने के बाद कार्बोरेटर की थ्रेड्स में फिट कर देंगे। मिक्सर स्क्रू को कार्बोरेटर में फिट करने के लिए हम उसको जो प्रेशर लगाएंगे, उसको जो टाइट करेंगे स्क्रू ड्राइव से, जो टाइट करेंगे उसमें हमारा जो प्रेशर होना चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए वो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। मतलब हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, वरना तो ये स्क्रू अंदर कार्बोरेटर में ही टूट जाएगा। इसको बिल्कुल जीरो पावर पर टाइट करना है और पूरा टाइट कर देने के बाद, फिट कर देने के बाद इसको वापस हमें जो खोलना है वो 3.5 जो उसकी थ्रेड्स है, मतलब 3.5 चूड़ी उसको रिटर्न कर देनी है। और उसको कैसे करनी है मैं आपको इसमें बहुत स्लोली तरीके से बता रहा हूँ, ये देख लीजिए। 3.5 थ्रेड्स को वापस खोल देना है ताकि एक स्टैंडर्ड उसका मापदंड है। जो कुछ कार्बोरेटर्स में हम 3.5 या 2.5 थ्रेड्स को भी खोलते हैं, वो हमें कार्बोरेटर के ऊपर जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसके आइडल के ऊपर एडजस्ट करना होता है, क्योंकि कार्बोरेटर की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों कार्बोरेटर कंप्लीट कर देने के बाद हम इसको पेट्रोल पाइप लगाकर यहीं पर चेक कर लेंगे, बाहर की तरफ इसका स्प्रे चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ।